नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्वलंत आरक्षण के मुद्दे पर अब कैबिनेट की बैठक में संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। आगामी विधानसभा के 1 और 2 दिसंबर को होने वाले विशेष सत्र में इस संशोधन विधेयक को पटल पर रखा जाएगा और चर्चा की जाएगी। संभव है कि यह संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास भी हो जाएगा, क्योंकि लगातार आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी आदिवासियों का समर्थन कर रही है। इस दौरान दोनों ही पार्टियों के बीच कई सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली और सियासत इस मुद्दे पर लगातार जारी है और इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो आज सबसे पहले इस पूरे मुद्दे पर मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने आदिवासियों को अपना पूरा समर्थन देते हुए कहा कि आदिवासियों के लिए अगर हमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े तो जाएंगे, और अगर उस समय तक सफलता नहीं मिली तो मैं अपने आप को राजनीति से अलग कर दूंगा। हम रोज जब से मैं नहीं, मेरा सरकार, मेरे मुख्यमंत्री आदिवासी भाई लोग से लगातार बैठ के लगातार सुझाव, उन्हीं का सुझाव के माध्यम से हम कर्नाटक तमिलनाडु गए, उन्हीं का सुझाव के माध्यम से उन लोगों का मांग था विधानसभा लगाओ, विशेष विधानसभा, उससे बढ़ के क्या करना है। हम 1 तारीख और 2 तारीख को उसको कानून बनाएंगे, उनको पास करवाएंगे। दूसरी तरफ अब कैबिनेट की बैठक में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक सेवाओं में आरक्षण विधेयक और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है। विधेयक को विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में एक राय बनी, अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, OBC को 27% और EWS को 4% आरक्षण देने का फैसला किया जाए। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि विधानसभा के विशेष सत्र में लोक सेवा और शैक्षणिक संस्थाओं में फिर से आरक्षण का लाभ देने 2 विधेयक लाए जाएंगे। विधानसभा का सत्र सामने आहूत है और विशेष सत्र का मूल उद्देश्य ही माननीय उच्च न्यायालय के जो फैसले से छत्तीसगढ़ में लोक सेवा और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश का आरक्षण जो प्रभावित हुआ है, उसके कारण ही जो विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है उसमें ये दोनों विधेयक पेश किया जाएगा और इसी के संदर्भ में आज दोनों विधेयकों की सहमति स्वीकृति आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। वही कैबिनेट के मुद्दे और आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जानकारी देते हुए बताया कि 1 और 2 दिसंबर को जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसके बारे में कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। विधेयक के मसौदे के बारे में चर्चा की गई, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और EWS के आरक्षण के बारे में चर्चा की गई। इसके अलावा जो जिले में भर्ती की जाती थी उसमें भी कोई एक्ट नहीं था और इसे भी हाई कोर्ट ने निरस्त किया था। एक आदेश के माध्यम से यह जारी कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों के पद के लिए भी आरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है, जितना कि प्रदेश के लिए है, इसलिए अब उन्हें भी एक्ट में शामिल किया जाएगा। कैबिनेट में डिसीजन हुआ, उसके विधेयक के जो मसौदा है उसके बारे में चर्चा हुई और जो आरक्षण है उसके बारे में भी बात हुई, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, EWS, इसके आरक्षण। अब इस निर्णय के बाद अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के आदिवासी नेता नंद कुमार साय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज 32% आरक्षण की मांग कर रहा है। सरकार का काम है कि उन्हें आरक्षण के लिए फैसला लेना, आबादी के अनुसार मांग 32% आरक्षण की है, अगर यह तय कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ध्यानाकर्ण बहुत आवश्यक है। प्रदेश भर में आदिवासी समाज आंदोलन कर रहा है। नंद कुमार साय ने कहा कि अगर सरकार इस पर कोई कानून बना रही है तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक यह कानून का रूप नहीं ले लेता हम उसी तरह आंदोलन पर बैठे रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि यह पूरी तरह सफल हो तब तक हम आंदोलन को समाप्त करेंगे। 32% आदिवासी समाज को मिलना चाहिए और सरकार को ही करना है। सरकार कैबिनेट में अगर विचार कर रही है तो स्वागत योग्य विषय है, वो अच्छी बात है और वो सदन में जाएगा, पारित होगा, यही तो करना है, विधि उसकी यही है और ये अच्छी बात है कि सरकार इस विषय पर विचार कर रही है।
प्रदेश में सियासत का मुद्दा बना हुआ मामला आरक्षण, जिस पर अब कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी मिल गई है। आगामी विधानसभा के विशेष सत्र से इसे पटल पर रखा जाएगा और क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस आरक्षण के समर्थन में हैं, तो विधेयक सर्वसम्मति से पारित भी हो जाएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस निर्णय को सही मान रही है, लेकिन विपक्ष का यह भी कहना है कि जब तक पूरे मुद्दे पर सफलता नहीं मिल जाती, विपक्ष का आदिवासियों के समर्थन में सरकार के खिलाफ विरोध जारी रहेगा। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे नंद कुमार स्वाय जी, बीजेपी वरिष्ठ नेता शिशुपाल सौरी जी, कांग्रेस विधायक बाबूलाल शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ शिशुपाल सौरी जी भी जुड़ेंगे, तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नंद कुमार स्वाय जी, आपसे सवाल है कि आप 15 साल से सत्ता में थे, तो आपने क्यों नहीं इस पर कोई निर्णय लिया बीजेपी ने? देखिए, वो 15 साल की सत्ता में ये विषय आई ही नहीं थी, तो 32% आरक्षण विधिवत उस समय थी। ये तो न्यायालय का जो निर्णय आया है, जो इस सरकार के समय में आया है, उसके कारण ये 12% डाउन हो गया है। 32% तो उस समय यथावत थी, और उस समय इस विषय को विचार करने का सवाल ही नहीं उठता था। उस समय तो यथावत थी ही, ये तो अभी का विषय आया है जी। और इसलिए वर्तमान सरकार के समय है, कोर्ट का कोई फैसला है उसके तहत आया है, अब इस सरकार को इसको करनी है। तो आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? जी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? हम इसीलिए देख रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है वो। जी जी, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? कौन से फैसले को? ये तो सरकार जो सोच रही है ना, जो हम आप लोग बता रहे हैं जी, वो अच्छी बात है, लेकिन जब तक ये पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हो जाता तब तक तो इस विषय को हमें देखना पड़ेगा ना, उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। सरकार सोच रही वो अच्छी बात है जी, और ये सदन में जाएगा और सदन में ये पारित होगी और विधिवत उसका माने पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो, तभी वो माना जाएगा कि हम हो गया है। जी बिल्कुल, सरकार सोच रही है, अच्छी बात। जी बिल्कुल, स्वागत है सरकार की सोच का। जी वही हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़े हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। बाबूलाल जी, चुनाव नजदीक है, क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट में जाकर ये जो ये मामला है अटक नहीं जाएगा, 50% से ज्यादा आरक्षण? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त भी कई राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण है और चल रहा है जी। उसके लिए विधानसभा में विधेयक ला करके पारित कराना आवश्यक था, वहां करवाया जा चुका है, यहाँ किया जा रहा है। 2 तारीख को सत्र में, 1 या 2 तारीख को सत्र है, उसमें इसको विधेयक को रखा जाएगा। दो विधेयक रखे जाएंगे, एक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश का और एक लोक सेवा में नौकरी का, दोनों में आरक्षण के लिए अलग अलग विधेयक जाएंगे। इसमें देखिए, फिर से पुनः 32% कर दिया सरकार ने, जो कम हुआ था आदिवासी को मतलब अपनी मनसा जाहिर कर दी कि हम 32% का विधेयक ला रहे हैं। 13% वैसा यथावत है एससी का, और ओबीसी के लिए भी जो बात मुख्यमंत्री ने कही थी वो बढ़ाकर 27% करने का भी इसमें प्रावधान डाल दिया है। मतलब ये तो मैं इस तरह की बात हो गई, जो ओबीसी अभी मांग कर रहे थे, ओबीसी वाले भी उनकी भी मांग पूरी कर रहे हैं इसमें। तो ये कुल मिलाकर जो है ईडब्ल्यूएस 4% मिला के 76% हो जाएगा। और अगर ये विधेयक पारित होने मुझे संदेह इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी जो है भारतीय जनता पार्टी भी इससे सहमत है और राज्यपाल ने स्वयं निर्देश दिए हैं सरकार को कि इसके लिए जो है विधेयक इसका पारित कराया जाए और आरक्षण दिया जाए और पुरानी आरक्षण में लाया जाए। तो उसमें कहीं संदेह मुझे तो नहीं लग रहा है कि कहीं अटकेगा। विधानसभा में भी ठीक है, लागत मालाम करेंगे आपस में, लेकिन ये विधेयक पारित हो जाएगा और पारित करना पड़ेगा। अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी अड़ंगा लगाती है तो फिर उसके खिलाफ जाएगा माहौल, तो वो कहीं अड़ंगा लगेगा नहीं। वो अलग बात है कि आप लोगों ने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, गलतियां निकाल करके जो है वो बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, वो अलग मुद्दा है। लेकिन पारित हो जाएगा और राज्यपाल भी इसमें जो है रोकेंगे नहीं, जहां तक मुझे ख्याल है, कि उसको सलाह जरूर लेना पड़ेगा कि 50% जो
आपके हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं उसका पालन इसमें कैसे करना है, क्या करना है, वो अलग बात है, लेकिन ये किया जा सकता है, संसद ये विधानसभा में पारित करा के इसको किया जा सकता है। और ये बहुत अच्छी एक पहल है जो विवाद की स्थितियां बनी हुई है पूरे प्रदेश में वो समाप्त होंगी, आदिवासी समाज में भी बातें समाप्त होंगी। और वो अलग बात है, साई जी जो कह रहे हैं कि उनको आशंका है जब तक के पूरा नहीं होगा, सामने नहीं आ जाएगा, लागू नहीं हो जाएगा जब तक के हम बैठे रहेंगे, तो वो एक स्टंट अलग चीज होती है, वो राजनीतिक रूप से उसका लाभ हानि करने के लिए वो आंदोलन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो है जो मुद्दा है, मुद्दे को समापन करने के लिए ये सरकार आगे बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल, नंद कुमार शाह जी आपसे सवाल है, आपको आशंका क्यों है? नहीं, आशंका नहीं है, लेकिन देखना ये है ना, आखिरी समय तक कई जगहों का कई विषयों को हम लोगों ने देखा है, आशंका नहीं है, लेकिन उस समय तक हम बने रहेंगे उसमें कोई बुराई भी नहीं है जी। हमें कोई, हम इनका कोई उस ढंग से विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस दिन वो पारित हो बाकायदा और उसी दिन ये सारे मामले को खत्म किया जाए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा जी। ये हमारी मान्यता है, मतलब जब तक हक नहीं मिल जाएगा तब तक आप लोग डटे रहेंगे। जी जी जी, बस इतने जी बिल्कुल। बाबूलाल हुए हैं, बैठे हुए हैं जी। जी 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 बिल्कुल, आप और कुछ भी कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, स्वागत है। तब तक तो हम बैठे हैं, मतलब पूरा हक दिलाकर ही रहेंगे उसके बाद ही? नहीं नहीं, हमारा कुछ कहना नहीं है, सरकार कर रही है वो, हम उनका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, सदन में पारित होगी, उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद ही इसको हम समाप्त करें तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए हम कह रहे हैं, कोई शंका कुशंका की बात नहीं है, लेकिन यह है कि विधिवत वो अंतिम रूप ले ले ये स्थिति, वहां तक हम लोग यहाँ रहेंगे, ऐसी हमारी मान्यता है। जी बिल्कुल, बाबूलाल जी आपसे सवाल है कि आपको नहीं लगता कि बस इतना ही कर? जी बिल्कुल, बाबूलाल जी, हाँ जी आपसे सवाल है, ऐसा नहीं लगता कि सामान्य वर्ग आरक्षण के नए कोटे का विरोध नहीं करेगा? नहीं नहीं, सामान्य वर्ग कभी विरोध में अभी तक नहीं आया, वो अपनी मांग रख सकता हाँ, है, वही नहीं करेगा सवाल ही यही। और EWS गरीबी रेखा के 4% इन्होंने स्वीकार किया है अपने इसमें योजना में, तो वैसे 10% का गवर्नमेंट केंद्रीय गवर्नमेंट ने करवाया है, उसको 4% स्वीकार करने से हो सकता है ये मांग बढ़ जाएगी, भाई आप 6% हमारा क्यों काट रहे हो, ये वही किसको किसको सरकार बनाएगी फिर, सवाल यही है। नहीं देखिए, वैसे तो देखा जाए तो सभी सभी को चाहिए आरक्षण, कई और भी लोग हैं जिनको चाहिए, सामान्य वर्ग को भी चाहिए, बहुत सी बातें हैं इसमें, लेकिन वास्तविकता ये है कि अब ये जो हो रहा है, ये वर्तमान जो विवाद हुआ है उसका पटाक्षेप होगा, प्लस में जो है वो ओबीसी को 27% जो मुख्यमंत्री ने वायदा किया था अपने लोगों के बीच में, वो ओबीसी वर्ग से ही आते हैं कि हम जनसंख्या के आधार पर जो है उसको सोचेंगे और 27% करवाएंगे। आज देखिए 41% से ज्यादा सर्वे में अभी पाया गया है कि ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं जिसमें साहू समाज सबसे ज्यादा है, तो ये तो महत्वपूर्ण चीज है ना, ये स्टेट जो है आदिवासी बाहुल्यता के साथ में ओबीसी बाहुल्यता वाला क्षेत्र भी है जी, तो सामान्य ध्यान से समझिए, तो सामान्य वर्ग की जो नाराजगी है वो कोई मायने नहीं रखता है फिर भाई, 2-3-4% जो है वो सामान्य वर्ग में हमारे ख्याल से होगा हमारे प्रदेश में, तो उतना ज्यादा महत्व तो उसमें नहीं आएगा, लेकिन हाँ मन में मनमसोस के लोग रहेंगे, मन में ये बात आएगी कि 76% अगर आरक्षण में चला जाएगा तो हमारे लिए क्या बचा, तो वो एक अफसोस जरूर रहेगा मन में, लेकिन किया जाएगा ऐसा कुछ मुझे ऐसा नहीं लगता, अपनी मांग रखेंगे, मांग करेंगे, और निश्चित रूप से ये इस वर्तमान सरकार का एक्चुअल में जो भाजपा से गलती हुई या कांग्रेस से गलती हुई, जो हाईकोर्ट का निर्देश आया है, निर्णय आया है, उसमें जो है गलती सुधार का प्रयास जो है इस सरकार ने किया है, और ये प्रशंसनीय है कि इस विवाद को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। शायद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बैठे रहेंगे तो क्या दिक्कत है, तो ठीक है, बैठे रहने में कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल। तो वो उनकी अपनी अपनी शंका तो उनको नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि क्योंकि शंका इसलिए नहीं होना चाहिए कि खुद सरकार चाहती है ना कि ये विवाद खत्म होने, तो उनको नुकसान होगा। बिल्कुल, बाबूलाल जी हमारे साथ कांग्रेस विधायक शिशुपाल सॉरी जी भी जुड़ गए हैं। शिशुपाल जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। नमस्कार जी। बिल्कुल शिशुपाल जी, आप अभी नहीं जुड़े थे हमारे साथ मुद्दे में, नंद कुमार साय जी भी हमारे साथ है, उनका कहना कि आशंका है उनको, जब तक आशंका इनका खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये डटे रहेंगे, हक दिलाकर ही उठेंगे।
आशंका अगर है उनको तो सबका तो कोई इलाज है नहीं, किंतु हमारी सरकार सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि संवैधानिक जो मांग होते हैं उसकी पूर्ति संवैधानिक रास्ते से ही पूरा होता है। इसको हम हड़ताल करें, चक्का जाम करें, चाहे जो भी करें, पर इसका जो निराकरण है नहीं, शांतिपूर्ण ही उन्होंने कहा है जी, शांतिपूर्ण ही कहा उन्होंने जी। हाँ, वो शांतिपूर्ण ढंग से ही होगा इसका, हम सब लोग मिल बैठ के इसका करेंगे और यही एक रास्ता है। और विधानसभा में जो 1 और 2 तारीख को आने वाला है ये अपना अधिनियम, नया ही अधिनियम आना चाहिए कि उससे वो ये नहीं कह सकता। लेकिन शिशुपाल जी, मुझे एक बात समझना है कि संवैधानिक रूप से कैसे ये निर्णय टिक पाएगा, इसकी कोई व्यवस्था 50% से अधिक आरक्षण? नहीं, 50% से अधिक आरक्षण तो सुप्रीम कोर्ट ने पार कर लिया है, 10% ईडब्ल्यूएच का किया है, और दूसरा ये कहीं रोक नहीं है, ये सामान्यता है 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा करते हैं तो आप उसको जस्टिफाई करिए। कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि हम आरक्षण खत्म कर रहे हैं, जो वो चुनौती उन्होंने दी गई थी कि 50 से ऊपर इन्होंने किया, उसका जस्टिफिकेशन नहीं दिया। हम यही बात बार बार कह रहे हैं, बीजेपी सरकार ने उस समय जस्टिफिकेशन के साथ अपन रखा होता और ये बताने किस समय शिवपाल जी, शिशुपाल जी, जिस समय इन्होंने अधिसूचना जारी किया, क्योंकि ये उस समय की परिस्थितियां देखी जाती है। आज हम उसको कहें जैसे न्यू बनता है उसके बाद बिल्डिंग, लेकिन शिशुपाल जी विपक्ष भूमिका आप लोग तो निभा सकते थे ना, जैसे अभी बीजेपी विपक्ष भूमिका निभा रही है। ये मौका ही कहां दिया उन्होंने, क्या इस तरह के जो हम कर रहे हैं, हमारी टीम अलग अलग जगह गई थी, हमारे सचिव गण गए थे, समाज के लोग गए थे, उनकी स्टडी रिपोर्ट आ गई है, हमारे दूसरे स्टेट ने क्या रास्ता अपनाया है इनकी रिपोर्ट आ गई है, पटेल कमीशन का रिपोर्ट आ गया है, पिंगुआ कमेटी का रिपोर्ट आ गया है। तो इस तरह का एक्सरसाइज अगर उस समय कहते तो कोर्ट में तथ्यों के आधार पर बात होती है, इमोशनल नहीं होता है कि ठीक है हमारी मांग है, ओबीसी की मांग है, एससी की मांग है, पर तथ्य क्या है, उस तथ्य को आपको प्रूव करना होता है कि ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े रिलायबल आंकड़े हैं, और इसको अगर नहीं करते हैं तो यहाँ के लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। यही हम जो पॉपुलेशन और उनके शैक्षणिक स्थिति, उनके जो सेवाओं में भागीदारी, उनकी आर्थिक स्थिति, इनके आकलन होने के बाद जब हम तथ्यों के साथ रखेंगे और विपक्ष के भी हमारे साथ ही रहेंगे, हम आपस में बात करेंगे। और ये निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा था कि हम हर वर्ग को न्याय देंगे, तो आदिवासियों की जो 32% मांग है ये अथावत रहेगी, और इसके अलावा भी जो हमारे ओबीसी भाई हैं बहुतायत में यहाँ रहते हैं उनके साथ भी न्याय होगा, और एससी जो हमारे भाई हैं उसके साथ भी न्याय होगा, तो सभी वर्ग के साथ। लेकिन ईडब्ल्यूएस के जो, लेकिन शिशुपाल जी एक वर्ग के साथ न्याय होता नहीं दिख रहा है, वो वर्ग है सामान्य वर्ग। आपको नहीं लगता सामान्य वर्ग आरक्षण नए कोटे का विरोध करेगा, नहीं करेगा? मैंने बाबूलाल जी से भी सवाल किया था अभी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम एसटी एससी ओबीसी को अगर मिलाएं तो कितना प्रतिशत होता है, तो शेष प्रतिशत किसको जाएगा, जबकि यहाँ उनकी आबादी लगभग 12% के लगभग सामान्य वर्ग की है। अगर 43% ओबीसी करें, 13% अगर एससी करें और 32% एसटी करें, ऐसा करके 88% तो यही होगा, 12% उनके लिए स्पेस है वहां पे जी। ये अघोषित रूप से उनके लिए रिजर्व हो गया, हम जरूर कह रहे हैं कि अनरिजर्वड है, पर इन सीटों को अगर एसटी एससी और ओबीसी में बांट दिया जाए तो शेष कहां गया। इसके अलावा भी जो 4% का जो बात हो रही है उसको दिए जाने का ईडब्ल्यूएस का जी। इनके लिए पर्याप्त प्रतिनिधि की गुंजाइश है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें उनमें ऐसा कोई अन्याय हो। और हमारा जो नारा है कि सबके साथ न्याय होगा, इसमें दिखता है। ये बात जरूर कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं मिल रहा है, पर उनको जो मिल रहा है वो पर्याप्त है, ऐसा मेरा। नंद कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, नंद कुमार जी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, आपने सुना शिशुपाल जी को?
जी वो अच्छा सोच रहे हैं, वो जो बाकी सामान्य वर्ग की बात है वो किस रूप में वैधानिक तरीके से क्या क्या है, अलग जगहों में क्या है, शासन के लोग सरकार में बैठे हुए लोग उसको भी स्टडी कर रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। और उसमें अन्य जगहों में जो जिस तरह की स्थिति है उसका आकलन करके अगर वो चाहें तो उनको क्या दिया जा सकता है, क्या स्थिति बन सकती है, वैधानिक स्थिति भी बनी रहे और उनके साथ कुछ हो सकता है तो ये सरकार उसको सोच सकती है। लेकिन हमें ठीक से पता नहीं है कि अलग अलग राज्यों में किस तरह की स्थितियां हैं, उसका स्टडी करके यहाँ कितना प्रतिशत हमारे यहाँ सामान्य वर्ग के लोग हैं और उनको भी क्या किया जा सकता है उनके साथ में, सरकार इस संबंध में विचार कर सकती है। बिल्कुल जी बाबूलाल जी, आपसे सवाल है कि 2023 की जो चुनावी तैयारी शुरू हो गई है तब याद आ गया कि दोनों पार्टी को तब याद आ गया कि आदिवासियों को 32% देना चाहिए और चार साल से सरकार कांग्रेस की ही थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय जो है आदिवासियों का प्रतिशत बढ़ाया गया था आरक्षण का। मुझे लगता है वहां इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे बढ़ने में रमन सिंह ने ही बढ़ाया था उसको 50 के ऊपर, और जो बाद में अभी आकर के ये घट गया तो उसको फिर से बढ़ाने का प्रयास ही वर्तमान सरकार कर रही है। साय जी इस बात को बताएंगे, साय जी बड़े सच्चे आदिवासी हैं, वो सच को सच कहते हैं, मैं हमेशा शुरू से देख रहा हूँ, वो सच को कभी भी नकारते नहीं है। अभी आपको स्पष्ट कहा कि सरकार अगर ये कर रही है तो अच्छा कर रही है, हम उसका प्रशंसा करते हैं। उनके अंदर वो बात है, आदिवासी सच कहता है जो कहावत है ना, उसके वो प्रतीक है मेरी नजर में भाई, और संस्कृत के ज्ञाता है। और सामान्य वर्ग की जो बात आप कह रहे थे, सामान्य वर्ग में 12% जो भाई साहब बताए हमारे सोरी जी, 12% में अल्पसंख्यक में मुस्लिम ईसाई पंजाबी ये सब अल्पसंख्यकों की संख्या है ज्यादा, और जो बाकी बच जाते हैं वणिक है ब्राह्मण है और लोग हैं वो मात्र 4% ही बचे हैं। मैंने जो 4% का आंकड़ा दिया था वो इस प्रकार से दिया था कि 8% आंकड़ा जो है वो मुस्लिम ईसाई पंजाबी इन लोगों में है और बाकी 4% जो है वणिक ब्राह्मण सामान्य वर्ग जिसको माना जा सकता है। अगर इसमें डिवाइड होगा तो अल्पसंख्यकों को पहला मौका मिलेगा, पहले मौका मिलेगा, और बाद में जबकि अल्पसंख्यक ब्राह्मण भी है, अल्पसंख्यक वणिक भी है, लेकिन उनको अल्पसंख्यक की गिनती में नहीं लिया जाता। इसलिए जो है ये विशिष्ट परिस्थितियां जो है सामान्य वर्ग के लिए कठिन हो रही है, और आगे नौकरी उनको मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, उनको प्रवेश जो है शिक्षा संस्थानों में उसको किस तरीके से होगा, वो पैसे पर डिपेंड हो जाएगा, जो मध्यम वर्ग के लिए कठिन साबित होगा, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए। क्या लगता है 2023 में फायदा मिलेगा कांग्रेस को इस आरक्षण से? कांग्रेस को फायदा जो मिलेगा वो ग्रामीण योजनाओं के आधार पर मिलेगा, क्योंकि इस सरकार में मैंने देखा है कि जितना भी ध्यान ये दे रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की तरफ दे रहे हैं, गरीब आदिवासियों की तरफ दे रहे हैं, जो भी योजना जितनी भी देख लीजिए, और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना के प्रतिरूप में जा रहे हैं। लेकिन मैंने एक प्रश्न दिया था आपको पहले कि ये जो योजनाएं बहुत अच्छी हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी भी नकार नहीं सकती देखा जाए तो, लेकिन राजनीतिक रूप से भले ही नकारे लेकिन दिल से नहीं नकार सकती, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खुद इसकी प्रशंसा की थी गोठान योजना की। तो इसलिए ये इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसा हो रहा है, जमीन पर ये योजनाएं कैसी पहुंच रही है, जिसके लिए भेंट मुलाकात के लिए जो है पूरे प्रदेश में दौरा मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो वो सकारात्मक पा रहे हैं तो अति उत्साहित हैं, लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि वास्तविकता क्या है इन योजनाओं की, वो जमीन पर उतर रही है नहीं उतर रही है, वो स्थिति जो है वो रिजल्ट लाएगी। शिशुपाल जी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? हमारी जो गोठान है इसके अलावा भी, गोठान तो हमारा एक हमारे बहुत सारी स्कीम है उसमें से एक योजना है, किंतु आपने देखा होगा वनोपज जो अधिसूचित क्षेत्रों में जहां हमारे 29 सीटें हैं एसटी के लिए, यहां देखें तो जो वन उपज होता है उनका सही मूल्य दिलाना, उनकी खरीदी की व्यवस्था, उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था, ये अगर होता है तो इससे बहुत बड़े पैमाने पे रोजगार सृजन होता है। और जैसे तेंदू पत्ता की बात आ गई है और 65 तरह के जो वनोपज और मोटे अनाज की जो हम खरीदी कर रहे हैं उसको उचित दर पे मिल रहा है किसानों के। आपने देखा होगा न्याय योजना, हमारे 3 न्याय योजनाएं चल रही हैं, गोधन न्याय योजना, इससे कितना बड़ा फायदा हुआ बताने की जरूरत नहीं है, आंकड़े स्वतः बोलते हैं। और हर 15 दिन में इनका जो भुगतान हो रहा है उसमें अगर देखो हर 15 दिन में एक अपडेशन रहता है कि हमारे अभी तक कितने हो गए, इस सप्ताह इस 15 दिन में कितने हुए। और एक
भूमिहीन कृषक न्याय योजना, ये भी एक ऐसी योजना है जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी एक फायदा देने की बात हो रही है और मिल रहा है किसानों को, जो इस साल जो वो अतिरिक्त राशि उनको मिलेगी न्याय योजना के तहत वो 2640 रुपये है। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि इसी तरह वो जैसे जैसे समर्थन मूल्य बढ़ाएगा ये अंतर की राशि हमारे राज्यांश है वो बराबर रहेगा। तो उनको अब अगले साल की जब हम बात करेंगे तो लगभग 2800 के लगभग मिलेगा, तो एक दो साल में 3000 के लगभग मिलेगा। तो ये एक जो चल पड़ा है न्याय की बयान, ये न्याय की बात हो रही है, जो 32% आरक्षण है इससे लाभ और हानि के दृष्टि से हम नहीं देखते, ये हर वर्ग को वो उनके संवैधानिक अधिकार उनके हक मिलने ये हमारी सोच है। ठीक है, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, शिशुपाल सौरी जी, बाबूलाल शर्मा जी, नंद कुमार साह जी, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, आप देखते रहे स्वराज एक्सप्रेस।